पुलाव बनाने के लिए मैं 3 कप मैदा ली हूँ, 1.5 कप मिल्क ली हूँ, 1.5 टेबलस्पून शुगर ली हूँ, 1 टीस्पून सॉल्ट ली हूँ, 2 टेबलस्पून बटर ली हूँ। ये ईस्ट में 2 टीस्पून चाहिए पाव बनाने के लिए। अब दूध को मैं गरम कर रही हूँ, इसको ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही गरम करेंगे ईस्ट एक्टिव करने के लिए। अब ईस्ट एक्टिव करने के लिए मैं 1/2 कप मिल्क ले रही हूँ इसमें। अब इसमें मैं सारे चीनी डाल के मिक्स करती हूँ। अब देखिए शुगर मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद इसमें हम ईस्ट डालेंगे। दूध हमेशा ल्यूक वर्म गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म होने से एक्टिव नहीं होगा। अब इसमें मैं 2 टीस्पून ईस्ट डाल रही हूँ। अब देखिए अच्छे से ऐसे मिक्स करके 10 मिनट से ऐसे हम लोग छोड़ देते हैं, फिर देखेंगे ईस्ट एक्टिव हुआ है या नहीं। देखिए 10 मिनट बाद अब ईस्ट प्रॉपर एक्टिव हुआ है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा, नहीं तो पाव अच्छे से नहीं होता है। देखिए ऐसे झाग आना चाहिए ईस्ट में। अब देखिए मैदा में मैं सॉल्ट मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें मैं ईस्ट को मिक्स कर रही हूँ। अब हाथ में ऐसे मिक्स कीजिए। देखिए अब ये 1 कप मिल्क जो बचा था मैं इसको भी थोड़ा सा ही वार्म की हूँ। अब इसको इसमें सब डाल रही हूँ। देखिए मिक्स ऐसे पानी पानी होगा चलेगा, लेकिन आपको पूरा 1.5 कप मिल्क इसमें चाहिए। देखिए अच्छे से अभी मिक्स कीजिए। देखिए प्लेटफॉर्म क्लीन करके आपको ये मैदा मिक्स को अच्छे से ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो ग्लूटेन रिलीज नहीं होगा पाव बनने के लिए। देखिए बीच बीच में ऐसे थोड़े थोड़े बटर लेकर हम ऐसे इसमें मिक्स करते हैं ग्लूटेन रिलीज के लिए पाव में। देखिए ये स्टेप ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पाव अच्छे से सॉफ्ट पिलो पाव नहीं बनेगा। देखिए आप जब जितना ऐसे करेंगे ये अच्छे से गीलापन थोड़ा कम होकर जाएगा। देखिए अभी मेरे हाथ से कैसे निकल रहा है। इसको 15 मिनट तक आप कीजिए ऐसे, तभी ये पूरा अच्छे से हाथ से नहीं चिपकेगा। देखिए अभी मैं अच्छे से नीड कर चुकी हूँ, 15 मिनट हो गया है अभी। अब मैं इसको राइज होने के लिए अब ऐसे से अच्छे से करके रख देती हूँ और सारे जॉइंट को अंदर रखती हूँ, अच्छे से ग्लूटेन रिलीज होगा और पाव अच्छे से फूलेगा करके। देखिए अब राइज होने के लिए मैदा को मैं इसमें पहले थोड़ा ऑयल लगाती हूँ, इसीलिए बर्तन में थोड़ा ऑयल लगा देती हूँ। अब ये मैदा मिक्स को मैं राइज होने के लिए अब ऐसे अच्छे से कवर करके रख दूंगी। मैं क्लीन ग्राफ से कवर करके मैं 1.5 घंटा के लिए मैं अब राइज होने के लिए रख देती हूँ सेट करने के लिए। देखिए ऐसे मैं क्लीन ग्राफ से कवर करके अच्छे से मैदा राइज होगा ऐसे रख लेती हूँ। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप कोई बॉक्स में भी रख सकते हैं। देखिए मेरी डो बहुत अच्छे से राइजिंग हो गया है, मुझे सिर्फ 1 आवर 10 मिनट्स ही लगी। अब इसको मैं अब निकाल देते हैं। देखिए कितने अच्छे से राइज हुआ है। अब ऐसे ऐसे अब अच्छे से अब देखिए थोड़े अच्छे से नीड करती हूँ मैं।
पाव बनाने के लिए। मैं पाव बनाने के लिए ये एक गोल टिन ली हूँ, आप स्क्वायर टिन भी ले सकते हैं। मैं बटर पेपर अच्छे से लगा के रखी हूँ, इसमें मैं पाव छोटे छोटे बना के रखूँगी। देखिए इसको मैं इक्वल डिवाइड कर रही हूँ। देखिए मैं सब डो को इक्वल पार्ट कर चुकी हूँ। अब मैं पाव के शेप दे रही हूँ। सारे जॉइंट को मैं अंदर की तरफ से ले रही हूँ। देखिए ये राउंड टिन में मुझे जगह नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं ये स्क्वायर टिन में मैं पाव बना रही हूँ। देखिए मैं सारे डो को अच्छे से पाव शेप देकर इस ट्रे में रख चुकी हूँ। अब इसको मैं राइज होने के लिए ओवन के अंदर 45 मिनट्स रखती हूँ, लेकिन ओवन बंद रखेंगे। बाहर रखने से ये क्या है, ये ऊपर का पोर्शन सूख जाएगा। ओवन के अंदर रखने से ये सूखेगा नहीं और अच्छे से पाव बनेगा। देखिए अब मैं 45 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ, पाव राइज हो गया है। अगर आपका अच्छे से राइज नहीं हुआ है पाव, तो और 15 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। ओवन को मैं अभी प्री हीट में रख चुकी हूँ। अब मैं पाव के ऊपर मिल्क में ऐसे लगा दूंगी, मिल्क में स्प्रेड कर देती हूँ। ब्रश से आप कीजिए तो अच्छे से चारों तरफ मिल्क लगेगा। मैं प्री हीट 190 डिग्री में रखी हूँ। अब 10 मिनट के बाद ओवन में ये ट्रे डालूंगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप गैस में भी कढ़ाई में पाव बना सकते हैं। कढ़ाई में करने के लिए आप कढ़ाई में नमक डालिए, उसके ऊपर एक स्टैंड रखिए और गोल वाले कोई केटिन में इसे पाव सजा के रखिए, तो अच्छे से पाव बनेगा। और कढ़ाई में भी आप प्री हीट करना जरूरी है। अब मेरी ओवन प्री हीट 10 मिनट के लिए हो गया है। अब मैं 190 डिग्री में 25 मिनट्स के लिए ओवन में पाव ट्रे को रखती हूँ। देखिए ये ओवन टू ओवन डिफरेंस होता है टाइमिंग। अगर आपका पाव पहले से ऊपर का लेयर गोल्डन क्रस्ट होता है तो आप 20 मिनट में भी निकाल सकते हैं। ये कितने अच्छे से पाव बन गया है 25 मिनट बाद, ये बहुत अच्छा बना है। अब इसमें ये गर्म है, अभी रूम टेम्परेचर में हम लोग ठंडा करेंगे। उससे पहले मैं अभी ये ब्रश के माध्यम से मैं बटर स्प्रेड कर रही हूँ। बटर नहीं लगाने से ये ऐसे देखिए कितने अच्छे से शाइनिंग नहीं आएगा, इसीलिए बटर स्प्रेड करते हैं और सुबह तक ये सॉफ्ट रहेगा। बटर अच्छे से स्प्रेड कीजिए तो तभी ये सॉफ्ट रहेगा, नहीं तो ये ऊपर का पोर्शन हार्ड लगेगा आपको। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़